गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुलदीप सिंह यादव एंड आई एम प्यूपल टीचर ऑफ आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज। आज हम लोग मैथ्स के एक टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलो, सो बेसिकली इंटरेस्ट हमारे पास कितने प्रकार का होता है? इंटरेस्ट हमारे पास दो प्रकार का होता है, ठीक है? इंटरेस्ट हमारे पास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक जो शब्द हम स्टार्टिंग में हमने आपसे यूज किया, इंटरेस्ट, आखिर इस इंटरेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट शब्द का मतलब है ब्याज। हिंदी में इसको लिखते हैं ब्याज, ठीक है? मतलब ये कि किसी भी धन पर दिया गया अतिरिक्त रुपया, द मनी विच इज गिव ऑन द एक्स्ट्रा मनी विच इज गिव ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट, ठीक है? सो कोई भी मनी जो हमने किसी को दी या बोरो की, उस पर जो हमने जितना भी एक्स्ट्रा पैसा दिया किसी इंसान को या किसी भी पर्सन को लोन के बदले, तो वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक? ये इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम किसी को पैसा ब्याज पर देते हैं या फिर किसी से हम पैसा ब्याज पर लेते हैं या बैंक से हम लोन लेते हैं, तो वह हमें पैसा जब बैंक हमें देती है तो उसके ऊपर एक ब्याज लगाती है, उस ब्याज की कोई एक दर होती है कि, और वह दर फिक्स होती है कि हम कि इतने साल में इतना रुपया देंगे, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि एक फिक्स टाइम में हमें एक प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हम जो एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं वो किसी ना किसी रेट पर दिया जाता है, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो हम पैसा देते हैं वह फिक्स होता है। मतलब ये कि अगर हमने पहले साल मान लीजिए 100 रुपए किसी से उधार लिए और इसके बदले में उसने हमसे कहा कि भाई हमको सालाना अब 20 रुपए इस पर एक्स्ट्रा देंगे, तो ये 20 रुपए मेरा ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये 20 रुपए फिक्स होता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो हमारा इंटरेस्ट है वो हर साल एक ही रहता है, वह बदलता नहीं है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये बिल्कुल उल्टा चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम जिस भी अमाउंट पर ब्याज उधार हमने लिया उस पर हमें जो एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ी वह हर साल बदल जाती। पहले साल के लिए कुछ और होगी, दूसरे साल के लिए कुछ और होगी और तीसरे साल के लिए कुछ और होगी। तो इस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम अंतर कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आसान शब्दों में हम देखेंगे कि व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अलोन, कि जब इंटरेस्ट, जब ब्याज जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही दिया जाए हर बार, तो उसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है? जो हमने ब्याज लिया या जो जिस जितना भी पैसा हमने उधार लिया उस पर जो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है सिर्फ उसी पैसे पर जो हमने उधार लिया था, उस पैसे को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो उस पर जितना भी पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा है सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पर देखिए, पी यहाँ पर डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल, आर यहाँ पर रेट है और टी है टाइम, ठीक है? तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम के उसमें अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की गणना करना चाहूं तो किस प्रकार कर सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले से मैं SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की गणना कर सकता हूं, ठीक है? यहां पर इसी फॉर्मूले से तीन नए फॉर्मूले बना दिए जाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में, यदि किसी क्वेश्चन में SI दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तथा रेट दिया हो और टाइम दिया हो और आपसे पूछे कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को हम मैनिपुलेट करके नया फॉर्मूला बनाते हुए इससे मान निकाल सकते, ठीक? उसके बाद यदि हमें रेट दे दी जाए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए,
प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए और हमसे पूछे किस दर पर हमें हमने ब्याज लिया या किसी को ब्याज दिया, तो वह हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते। इसी प्रकार टाइम का भी फॉर्मूला हो जाता है कि टाइम बराबर या टाइम इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपकी सालाना लगती है। बात करते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द एक्रूड इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये कि वह इंटरेस्ट जो पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया जाए और साथ ही साथ जो नया इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है हर साल, उस पर भी अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब ये कि यह इंटरेस्ट यानी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज है, या प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं देना है, या हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो हमने ब्याज दिया, मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपए लिए थे, ठीक है, और उस 100 रुपए के बदले में हमें उसे 20 रुपए देने पड़े, तो अब हमें जो ब्याज देना है वो 100 पे ही नहीं देना, 100 पे तो हम 20 देंगे ही देंगे, इस 20 पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो टोटल मनी निकल के आएगी, जो एक्स्ट्रा दी गई मनी है, इस पर वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देन कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और मतलब निकल के आता है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि पहले साल तो यह साधारण ब्याज की तरह ही चलता है, लेकिन जैसे ही इसका अगला साल आता है, नेक्स्ट ईयर, जब सेकेंड ईयर आता है, तो सेकेंड ईयर आते ही क्या हो जाता है कि अब प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देना है। मतलब इस पर तो देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट के हम जो इंटरेस्ट हमने निकाला है पहले साल का, उस पर भी ब्याज देते हैं। फिर जब तीसरा साल आता है, तीसरे साल हमें क्या करना होता है, हम इस पर अमाउंट पे पहले तो पैसा देते हैं इंटरेस्ट, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, फिर इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देते हैं। तो इस हिसाब से जो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि यह जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बनता जा रहा है, इसलिए इसको लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नाउ फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देयर इज अ फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि a इक्वल्स टू p प्लस ci, वेयर a इज द अमाउंट, p इज द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ci इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखें यहाँ पे नोटेशंस आपको दे रखी हैं कि p इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड t इज द टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। अब इस बेसिक फॉर्मूले में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये कैसे पता चलेगा? चूंकि हम जानते हैं कि जो भी अमाउंट जो हम वापस करते हैं टोटल, उसको हम अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्र धन कहते हैं। तो ये बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट के प्लस इंटरेस्ट के, बेसिकली अब वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला बोला जाता है। इसी के चलते जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए कुछ समय टी समय के लिए हमें कुछ मनी उधार दी गई है, जहां पर आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी हमारा टाइम है, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल टू द पावर टी। इस फॉर्मूले से हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी गिवन होगा, अमाउंट निकल आएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट से जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो हमें हमारा सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर टी इयर्स, कुछ समय के बाद, जैसा मैंने बताया कि अमाउंट से प्रिंसिपल आप जैसे ही माइनस करोगे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेशन के लिए कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कंपाउंडेड क्वार्टरली, आप इन शब्दों से परिचित होंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड देन कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये कि अगर इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने पे लिया जा रहा है,
हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे लिया जा रहा है, और एनुअली मतलब पूरे पूरे 12 महीने बाद, यानी एक साल बाद आपसे लिया जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 तरीके से लिया जाता है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, कंपाउंड हाफ ईयरली दैट मींस हर 6 महीने में, और कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो सालाना ही लिया जाता था और उसमें ब्याज की दर फिक्स रहती थी। बट यहाँ पर ब्याज की दर तो फिक्स है, लेकिन हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस वजह से यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर क्वार्टरली कंपाउंड होगा तो उस समय हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली हो रहा है तो उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है प्रिंसिपल प्लस इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 4 अपॉन 100 होल टू द पावर 4n। ठीक है, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए तो इस केस में जो अमाउंट निकल के आता है वो क्या आता है? प्रिंसिपल इज इक्वल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 2 अपॉन 100 होल टू द पावर 2n। यहां पर n ही हमारा टाइम है, इसको कहीं कहीं पर t से रिप्रेजेंट किया गया, कहीं कहीं पर n से रिप्रेजेंट कर दिया गया। क्योंकि हाफ ईयरली था इसलिए इसकी पावर 2n हो गई, लेकिन जब ये एनुअल काउंट होता है तो हमने इसके पहले फॉर्मूले में देखा था कि वहां पर सिर्फ t या n लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की मदद से हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर रेट भी हमारी आधी हो जाती है और टाइम हमारा दोगुना हो जाता। अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट साल में एक बार लिया जाए, तो जैसा मैंने फॉर्मूला बताया कि जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमें टोटल देना है वो आएगा पी इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे गलत लग गया, पी इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक, जहाँ एन ईयर्स में है। ठीक है, और अब यहां से तो मैं अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन अगर मुझे यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करूं। क्लियर है? तो यहां से मैं आसानी से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता। तो अगर अ प्रॉब्लम इन कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए एक एग्जांपल के तौर से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कहा गया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 3 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पे बोला गया ना कि सालाना लिया जा रहा है आपसे ब्याज, लेकिन कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है, और रेट जो हमारी है वो है 8% पर ईयर, यानी पर एनम। ए का मतलब है एनम और एनम मतलब 1 ईयर। और कितने अमाउंट के लिए? तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है 15,625 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये हमारा पी दे दिया गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया, और ये हमारा टाइम दे गया यानी एन दे दिया गया। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। 3 इन द सेंस यहाँ पे एन। ठीक है, यहाँ पे एन यूज हुआ, सो पी इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन चल रहा है। जब हमने इसमें वैल्यूज पुट अप की तो पी का मान 15,625 रखा, इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3 रख दिया, एन का मान 3 था। कैंसिलेशन के बाद ये 15,625 प्लस 2/25 की घात 3 और 15,625 और 27/25 टू द पावर 3। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं इसमें जब यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया तो 25 से कम 25 तो 27/25 हुआ कि इसकी घात 3, क्योंकि इसकी पावर 3 थी तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद शायद जब कैंसिलेशन करके सॉल्यूशन किया गया तो ये आपका निकल के आता है 19,683 रुपये। ये हमारा सीआई नहीं है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा क्या है? अमाउंट आया है।
अब अमाउंट आने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा था 19683 रुपए, ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था दैट वाज 15625 रुपए। तो ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया दैट इज 4058 रुपए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। सो अगर जो पिछला एग्जांपल था वो हाफ ईयरली अगर कंपाउंड होता, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर दे दिया जाता कि सपोज दैट 6% पर एनम नहीं दिया होता वहां पर, ठीक है, वहां 6% पर हाफ ईयरली दिया होता, ठीक है। सो वहां पर जो 6 था, यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वी हैव टू पुट इट एज 6, क्लियर है? नहीं, यहाँ पर हमें r n की वैल्यू 6 नहीं रखनी है, हमें ये रखनी कितनी हाफ ईयरलीज हैं। तो एक साल में यानी एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होती, दैट मींस वी हैव टू पुट 2 इंस्टेड ऑफ दिस n, और रेट हमारी हाफ पुट करनी पड़ेगी, दैट मींस 6/2 दैट इज 3%, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो हम कैलकुलेट कर सकते, क्लियर है? चल मूविंग टू द नेक्स्ट, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि जो कुछ इसके प्रॉफिट्स भी हैं, जैसे इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, प्रोविडेंट फंड में करते हैं, बैंक डिपॉजिट में करते हैं। अब बैंक डिपॉजिट नेगेटिव फीचर्स में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड एंड बिल्स के केस में कर सकते हैं और लोन्स के केस में भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज नाउअडेज इट इज टोटली रिलेटेड टू द बैंक लोन्स, ठीक है। अब ये बेसिकली लोन के पर्पस से यूज होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।